हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों को फरवरी 2020 के महीने में काफी सुख शांति और सुख समृद्धि मिलने वाली हैं। आपके रोने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। आपको अपने जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आपको महादेव भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सबसे अधिक जीवन में प्राप्त होने वाली है और फरवरी के महीने में आप ज्यादा से ज्यादा धन दौलत एकत्रित कर सकते हैं। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ अकेले में देखें, क्योंकि इस वीडियो में बताई जाने वाली जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रहस्यमय है और आप ही इस वीडियो को आखिरी तक देखें। आप किसी ऐसे जगह पर जाएं जहां पर कोई इंसान न जाता हो और इस वीडियो को ध्यान से समझने का, सुनने का, देखने का प्रयास करें। मित्रों, आपको बताएंगे फरवरी के महीने में आप अपने जीवन में किस प्रकार से बदलाव कर सकते हैं। आपको कौन से भगवान की सबसे अधिक पूजा उपासना और कौन से भगवान की दया दृष्टि आपको मिलने वाली हैं। किस प्रकार से आपके सोए हुए भाग फिर से जागृत हो सकते हैं और पैसों से जुड़ी आर्थिक तंगियां कैसे दूर हो सकती हैं। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। फिर से आपको चेतावनी दे दें, इस वीडियो को आप अकेले में ही अवश्य देखें। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका फरवरी के शुरुआत से ही समय काफी शुभ रहेगा। आपके सभी दुख तकलीफों को भोलेनाथ अति शीघ्र छुटकारा दिलाएंगे। आपका सोया हुआ भाग खुलेगा। आपको अपने जीवन में अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होने की वजह से आपका मन काफी प्रसन्न भी रहेगा। परिवार के लोगों के साथ आप आनंदमय समय को व्यतीत कर सकोगे। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होंगे। आपको बताना चाहेंगे कि आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा। माँ लक्ष्मी धन का झोला लेकर आपके घर पर पहुँचने वाली हैं, जिनसे आपकी किस्मत जो है वो बहुत ही जल्द बदलने वाली हैं और इनकम बढ़ने की संभावना है। बिजनेस में फायदा हो सकता है। पदोन्नति के मौके मिलेंगे। आपके जीवन में चल रही समस्याएं दूर होंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं और इस पर एक राशि के लोगों को अचानक से राजा बनने का शौक भी पूरा होगा। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपको फरवरी के महीने में अपने व्यापार में मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। आमदनी में लगातार बढ़ोतरी होंगे। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी, आपको इन सभी के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा धन लाभ हो सकता है। जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं। प्यार और पैसे में भी तरक्की मिलेंगी। कुछ बड़े मुद्दे होते हुए आपको देखने को मिलेंगे और कुछ बड़े कार्य अपने आप ही सही समय पर होंगे, जिसकी आपने कभी भी कल्पना भी नहीं की होगी। मित्रों, इस समय आपको बताना चाहेंगे कि भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा और इस समय का उपयोग करना आपको निश्चित तौर पर चाहिए। आपको मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से घर की आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी और लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे। प्रभावशाली लोगों की सहायता से मिलने के योग बन रहे हैं और पिता के सहयोग से आप अपने जरूरी कार्य पूरे कर सकते हैं। व्यापार कारोबार में आपको अच्छा मुनाफा होगा। आपको बताना चाहेंगे कि आप जो भी कार्य आरंभ करेंगे उसमें आपको अपार सफलताएं हासिल होंगे। संतान से सुख प्राप्ति का योग बनेगा। परिवार का वातावरण बेहतर रहेगा। भाई बहनों के साथ चल रहे विवाद, चल रहे तनाव दूर होंगे। व्यापारी वर्ग के लोगों को कोई नया समझौता मिल सकता है जो कि आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको अचानक से धन लाभ हो सकते हैं। आपके द्वारा किए गए कार्य हमेशा सफल होंगे। आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में उत्साह बना रहेगा और कोई पुराना कर्ज भी आप छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, इस समय आप कार्य अवश्य करें बैठे बिठाए। अगर आप घर पर बैठे बिठाए रहते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि आपके पास धन आए तो यह कभी संभव नहीं है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा मिले जुले
जुड़ें और लोगों के दिलों में अपने राज जगह बनाने का प्रयास करें और कामों को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। व्यापार या नौकरी में आपके सहकर्मी आपसे पूरी तरह से प्रभावित होंगे और आपका साथ भी देने वाले हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा पाओगे। आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम और रोमांस के बेहतरीन दौर का अनुभव कर सकेंगे। आपके मन में किसी खास बात को लेकर थोड़ी सी निराशा रह सकती है। इस समय आप कहीं दूर घूमने फिरने या फिर आप कहीं अच्छे जगह तरीके से जा सकते हैं। आप किसी अच्छे बुरे तरीके से अपना लक्ष्य पा लेने में काफ़ी सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति कर सकोगे। आप अपने ग्रहों की बदौलत काफ़ी आत्मविश्वास का अनुभव प्राप्त कर सकोगे। मित्रों, इस समय आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से बड़ी बड़ी योजनाओं को बनाने में काफ़ी लाभकारी रहेंगी। आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सबसे अधिक बन रही हैं। भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफल होने से कोई भी जातक रोक नहीं सकता। आपको अपने घर में सबसे ज्यादा लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपको माता पिता का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप अपने समाज में अलग कार्यों को कर सकोगे और अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे। समय समय पर आपको अपने जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में आने वाली परेशानियां समाप्त होंगी। बिजनेस के सिलसिले में आपको अचानक से कहीं दूर की यात्रा करनी होंगे। यात्रा करने से आपको लाभ मिलेगा। यात्रा के समय आप अपने सुरक्षा अवश्य करें। आपको हद से ज़्यादा ससुराल पक्ष से ज़्यादा खुशखबरी मिल सकती है। लाभ के कई नए अवसर हाथ लगेंगे। आपकी वृद्धि इनकम में होने वाली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होंगे। कामकाज में कुछ नए तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। अगर आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप इस समय खरीद सकते हैं। आपको इस समय पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। मित्रों, इसके साथ साथ आपका आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्यदेव की कृपा से आप अपने कामकाज को बेहतर तरीके से कर सकोगे और कामकाज में पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। घर परिवार की जरूरतें पूरी होंगी। आमदनी के स्रोत हासिल होंगे। माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आपको अपने किसी विशेष कार्य का अच्छा नतीजा मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मजबूतियां बनी रहेंगी। व्यापारी वर्ग के लोगों को भारी मुनाफा मिलने के योग हैं। व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में किए गए कठिन प्रयास निश्चित तौर पर सफल रहेंगे। पति पत्नी के बीच प्रेम और बढ़ेगा। आपको अपना सच्चा प्यार मिलने की पूरी पूरी संभावना है। धन संचय और धन निवेश इस समय आपको फायदा दिलाएंगे। आर्थिक जीवन के मामले में स्थितियां काफी अच्छी रहेंगी। आप इस समय किसी अच्छे क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं, जिससे आर्थिक लाभ के लिए अच्छा अवसर प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। निवेश के दृष्टि से काफी अच्छा समय है, इसलिए आप अपने अनुभव के अनुसार ही आप निवेश का नजरिया बना सकते हैं। इस समय आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आप अपने परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकते हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि इस समय किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा कदम ना लें। आपको भाग्य का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। आपका दिन काफी अच्छे से व्यतीत होगा। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों की पूरी सहायता मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपका आने वाला समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। जीवन के हर कार्य में किस्मत का सहयोग मिलेगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगे। आपके जीवन में लाभ ही लाभ हो सकता है। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसने वाली हैं और आपके जीवन में उजाला ही उजाला रहेगा। और जिस भी प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे थे या फिर जिस भी प्रकार की समस्याएं आपको परेशान कर रही थीं, उनसे आपको छुटकारा मिलने वाला है।
महादेव की कृपा से आपकी किस्मत चमकने वाली हैं और बंद किस्मत ही बहुत जल्दी खुलेंगी। आपको अपनी सभी परेशानियों से जल्दी छुटकारा मिलेगा और यह समय आप अपने जीवन में हंसी खुशी फल को व्यतीत कर सकोगे। आप काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे। अचानक आपको धन लाभ के मौके मिलेंगे। कार्यस्थल में बड़े अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे। आपको अपनी कठिन मेहनत का लाभ प्राप्त होगा। व्यापार में आपको सफलता हासिल होंगे। दाम्पत्य जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर होंगे। लक्ष्मी जी की कृपा से व्यापार में भारी मुनाफे मिलने के योग दिख रहे हैं। आप अपने कामकाज में लगातार प्रगति हासिल करेंगे। आपका कोई लाभदायक समझौता हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहें। घर परिवार के लोगों का हर तरह से सहयोग मिलेगा। आप अपने कामकाज से संतुष्ट रहेंगे। पारिवारिक वातावरण धार्मिक रहने वाला है। आपको किसी कानूनी मामले में सफलता मिल सकती है। इस समय अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आपके ऊपर माता कालरात्रि की कृपा दृष्टि सबसे अधिक बनेगी। माता कालरात्रि का नाम लेकर आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने घर में सबसे ज़्यादा भाइयों का सपोर्ट मिलेगा। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।